हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुरैशी कबाब की रेसिपी। बिल्कुल आसानी से आप घर पे बना सकते हैं इसे, और आज इसे हम तवे पे बनाएंगे और बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो इन कबाब को बनाने के लिए यहाँ पे हमने हाफ के जी ले लिया है मिन्स्ड मटन या मटन का कीमा। बहुत फाइन मटन का कीमा है ये। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे हमने ग्रेट कर दिया है, और ग्रेट करने के बाद दोनों हाथों से दबाकर बहुत अच्छी तरह से इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। हरा धनिया लिया है एक मुट्ठी, और 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, उसे बारीक काट लिया है। थोड़े से ड्राई मसाले लिए हैं, 1 चम्मच लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लिया है रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लिया है चाट मसाला पाउडर, और थोड़ा सा नमक। 1 टेबल स्पून भर के लिया है मेल्टेड बटर, और हमने 2 टीस्पून ले लिया है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले कीमे में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें सारे हरे मसाले भी डाल दूंगी, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, साथ ही ड्राई मसाले भी ऐड कर दूंगी। और बटर को भी ऐड करने के बाद इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिएगा। अब इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तो रेस्ट के लिए रखने के बाद आधे घंटे के बाद हम चेक करते हैं इसे। आप देख सकते हैं कीमा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे हम स्क्यूअर में लगाएंगे। तो स्क्यूअर को हमने पानी में पहले ही भिगो कर रख दिया था, नहीं तो जब हम इसे रोस्ट करेंगे तो स्क्यूअर जल जाएंगे। तो आप स्क्यूअर, अगर लकड़ी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे पानी में भिगो कर ज़रूर रखें। अब पहले हम एक बॉल की शेप बनाएंगे, और फिर इसे हाथ से अच्छी तरह से दबा दबा कर इसमें कबाब को लगा लेंगे। आपको कोशिश ये करना है कि बीच में कोई एयर ना रहे, और टिप दोनों को अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे। इस तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे कबाब हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसे तवे पर सेक लेंगे। तवा हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब इस पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ही अच्छा बनता है, इससे अच्छा सा एक फ्लेवर भी आता है कबाब में। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को अच्छा गर्म हो जाने दें, फिर इसके बाद एक एक करके इस पर हम सारे कबाब टगा देंगे। तो 1 मिनट के लिए इसे हमें इसी तरह से पकने के लिए देना है, और उसके बाद इसे पलट कर हम दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो एक साइड ये सीख गया है, अब इसे हम टर्न कर देते हैं। अब देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा सा आने लगा है दूसरे साइड में। इस तरह हम इसे अच्छी तरह से मीडियम टू हाई हीट पे ही हम इसे सेक लेंगे सारे कबाबों को। तो सारे कबाब हमारे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सिक गए हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें क्या करना है हमें, एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसे हम एक जाली पे रख देंगे। तो ये वही जाली है जिस पे आप बैंगन वगैरह रोस्ट करते हैं। इस पे हम सारे कबाब को इस तरह से प्लेस कर देंगे। ऐसा करने से बिल्कुल बारबेक्यू वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा इसमें, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा, और खाने पे कोई भी ये बता नहीं पाएगा कि आपने इसे तवे पे रोस्ट किया है। ध्यान रखें कि स्क्यूअर्स ना जले, और थोड़ा सा हम इसे ऊपर उठा कर रखेंगे, और इस तरह से हिला हिला कर इसे हम अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। और लीजिए, कुरैशी कबाब बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप अनियन रिंग और हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो बहुत ही कम मसाले के साथ और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं कुरैशी कबाब। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।